हेलो एवरीवन। तो कल हम गए थे एक शादी के रिसेप्शन पार्टी में। हम पूरी फैमिली गए थे और बहुत मजा आया। हमारे घर से करीबन 10-15 मिनट की दूरी पर है और दूल्हा दुल्हन जो है बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और शादी में जो बहुत अच्छा लगा सबसे वो था जो बनारसी फायर पान था, वो सबसे अच्छा लगा। तो आप ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, हम उस मंडप पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे रिसेप्शन पार्टी चल रही है और आप देख सकते हो डेकोरेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। और चलिए अंदर देखते हैं। और अंदर आप देख सकते हो यहाँ एंट्रेंस में ही दूल्हा दुल्हन की स्टेज लगाया गया है। स्टेज को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और लॉन में खाना पीना चल रहा है और कोरोना की वजह से लोग जो है बहुत कम है, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ म्यूजिक भी चल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी बहन की ननद की शादी है, तो हम सब आए हैं। ये भुवनेश्वर में हो रही है और दूल्हा दुल्हन कितने, उनकी जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है आप देख सकते हो। और डेकोरेशन भी स्टेज का जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ है। और शादियों में हम जब आते हैं वहाँ पे सबसे खास बात जो होती है, हमारी सारे जो रिश्तेदार है उनसे मुलाकात हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, इनसे मिलो। ये है हमारी प्यारी मीरा, आज ये बहुत खूबसूरत लग रही है। କରେଣ୍ଟରେ ହାତ ମାରିବ କାଢ଼ିଦେବ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସେଟା କାଢ଼ିଦେବ ରଖ ନାହିଁ ଯିବା ନାହିଁ ବାସ ବାସ ଏପଟଟା ବି ଏପଟଟା ବି ବଡି ବସି ଲିଟିଲ ତାକୁ ଧ ତା ହାତଟା ଜାଣ ଠିଆ ହଉନ ଠିଆ ହଉ ଯା 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 ବୋଉ ଯା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯା ଆରେ ବୋଉ ଗୁଡ଼
आटे फ्लैट रहेगा आटे पछु रहंदे पछु फ्लैट रहंदे वो सीधा रहंदे आपण एकड़ का संदे मैडम ऊपर साइड आ संदे ऊपर साइड आ संदे देखिवे समस्त एटिक देखिवे अरे यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई पता है, गीता की मुलाकात उसकी स्कूल टाइम के सर के साथ हो गई, तो वो दोनों कितने खुश हुए, वो बहुत अच्छा लगा। और ये वो एक बहुत ही कूल पर्सन है और मुझे इन्हें देखकर मुझे अपने टीचर की भी याद आ गई। तो दोस्तों आप बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुन रहे हैं ना, ये सब इन्हीं की देन है। इनके वजह से पार्टी का मजा जो है वो दुगनी हो रही है। और बहुत प्यारे प्यारे पुराने हिंदी फिल्म के गीत हमें आज इस पार्टी में सुनने को मिले और ये बहुत अच्छे इसे गा भी रहे थे। और यहाँ पे हम खा रहे हैं फायर वाला बनारसी पान, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मजा आया। ना फोन कर लेनी आग लगा दिया बनारसी का फायर पान। ये रोहित अंकल, ये रोहित शर्मा, इंडिया अपना बैट्समैन, आग लगा दिया बनारसी का फायर पान। तो घर पे पहुंचते पहुंचते हमें बहुत रात हो गई थी और हमने बहुत एंजॉय किया पार्टी में, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।